हाँ, क्या वर्क कर रही है? लव जिहाद का ही है, जैसे पता चलता है कि अपना नाम पहले अमन राणा बताया और जो कि वो अमन राणा नहीं था। दस साल पहले लव जिहाद का शुरू हुआ सफर 12 साल बाद आज एक महिला के लिए उस समय तकलीफ दे बन गया जब महिला को धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया और कहा गया कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती है तो उसके घर से चली जाए, अन्यथा तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने तक की धमकी दी गई। पीड़ित महिला अपने 3 बच्चों के साथ इंसाफ के लिए गुहार लगाने जिला पुलिस अधीक्षक के दरबार पहुंची, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने विशेष समुदाय से जुड़े उसके पति के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। मेरा नाम आदित्य रोहिला, मैं जय भवानी सेना का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, एक मैटर है आपके पास महिला के साथ जो धर्म परिवर्तन को लेकर, क्या है पूरा मैटर सर? जी देखिए, हमारे पास एक 7-8 महीने पहले भी इसी तरह का मैटर आया था। वो मानकपुर से एक लड़की थी, तो हम उस लड़की को हैदराबाद से लेकर के आए थे। वो भी एक लव जिहाद का मामला था, तो उसी की जानकारी इनको मिली कि जय भवानी सेना इस तरह का एक संपर्क में है और उनका साथ लेना चाहिए। तो इन्होंने हमारे पास आए, कल अजय शक्ति गोयल जी के ऑफिस में आए थे, हमारे एडवोकेट हैं, संगठन के साथ ही काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तब से मैं इनके साथ संपर्क में आया हूँ और इन्होंने हमारे से मदद की गुहार लगाई है और हमने SP साहब को आज कंप्लेन दे दी है उनकी, और जो भी इंसाफ होगा वो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और प्रशासन से गुहार लगाई है कि भी सख्त से सख्त कार्रवाई उस अकरम खान के ऊपर की जाए। काफ़ी लंबे समय से एक विशेष समुदाय के साथ इस महिला ने शादी की, काफ़ी लंबा टाइम भी बीत चुका है, तो इससे पहले इसने आपको कोई शिकायत दी या कोई गुहार लगाई? नहीं, इससे पहले कोई शिकायत नहीं दी, इससे पहले तो बस ये बता रही है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि ये बच्चों के चक्कर में ही थोड़ा सा रही कि भी बच्चे है, बच्चे हो गया तो क्या कहाँ जाए। 2020 में इसने कंप्लेन की थी, तब भी इसको कंप्लेन को दबा दिया गया था इनकी। तो पहले मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, इनको पता नहीं था मीडिया के बारे में, अब इनको पता लगा किसी से, तो अब ये हमारे पास आए हैं। तो किस तरह से सहायता करोगे आपकी जो भवानी जी ने बताई आपने, कैसे सहायता करोगे इनके लिए आप? देखिए, हमारा संगठन है, संगठन के हिसाब से ही चले और जो संभव सहायता हो पाएगी वो हम करेंगे, आखिरी तक इनके साथ रहेंगे। दरबार में उसने अमन राणा के नाम से शादी की करी है साहा मंदिर में, और उसने जो है ना मुझे ये कहा था कि मैं हिंदू ही हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। 7-8 महीने तक वो मेरे साथ हिंदू बन के ही रहा साहा में, और वहाँ पे किराए के मकान में रहते थे। जब मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, मैं उसके घर गई तो मुझे वहाँ पे पता चला कि वो मोहम्मदन है और उसका असली नाम अकरम खान है। जब मुझे पता चला कि इसका नाम अकरम खान है, मैंने आवाज़ उठाई कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, धोखा किया मेरे साथ और तुमने छुपाया क्यों है। तो वो कहता कि अब जैसा जो हो गया ना, तुम्हें उसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा, अब तू भी मोहम्मदन बन जा, जैसे हम कहते हैं तू वैसा ही सीख ले, और तुझे जैसा हम कहते हैं ये बकरे मीट वगैरह बनाना पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती उन्होंने की है तो मैंने खाने से तो मना कर दिया और ज़बरदस्ती बनाना पड़ा मुझे। मुझे बहुत घिन आती थी जब वो ये सब काम करने के लिए बोलते थे। और सर, जब मेरे बच्चे लड़की पहले पैदा हुई है तो मैंने उसका हिंदू नाम रखा था, उन्होंने एतराज़ किया था इस बात से भी कि इसका हिंदू नाम नहीं रखना, हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान ही रखेंगे इसका नाम। उन्होंने अपनी मर्जी से उसका नाम रखा था आलिया। और तो सर बाद में मारपीट शुरू कर दी कि अगर धर्म नहीं बदलती है तो हम तुझे जान से मार देंगे, तेरी बच्ची को जान से मार देंगे, घर से निकाल देंगे। सर, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। उसके बाद वो कभी मुझे लाडवा रखता, कभी वो मुझे जम्मू कॉलोनी यमुनानगर रखता, कभी वो मुझे सहा रखता, जगह जगह उसने जो है ना बार बार रेंट पे मकान बदलने शुरू कर दिए। और अब जाके जो है ना, जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो तब उसने बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू कर दिया और मुझे पता चला कि वो किसी दूसरी औरत के साथ रहता है। मैंने उसको कहा कि मेरे साथ ये सब मत करो और जैसे आप कहोगे मैं ऐसे रह लूँगी, लेकिन मैं धर्म नहीं बदलूँगी अपना, ना मैं अपना बदलूँगी। और मेरी जो पहली शादी हो रखी थी उससे मेरा एक बेटा है जिसका नाम अक्षित है, वो उसके ऊपर भी दबाव डालते थे कि इसका नाम बदलो, इसका नाम अक्षित से अयान रखो, हमारे धर्म से बनाओ इसको भी। मैंने मना कर दिया तो वो मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी देने लगे। वो कहते ये हिंदू लड़का है, हम इसको जान से मार देंगे, हमने इसको नहीं रखना अपने पास।
सर फिर उसके बाद 2020 में जो है ना उसने दूसरी औरत शन्नो को रख लिया अपने घर पे कि तू तो हिंदू है हम तुझे नहीं रखेंगे। उसके बाद वो वहीं पे रह रहा उसके साथ, शन्नो उसका नाम है उसके, उसने मुझे नहीं पता उससे शादी की है कि नहीं की है, पर वो उसके घर में रहती है सर बिलासपुर में। सर एक मैटर आया एक आपके पास लेडीज़ का, लव जिहाद का मामला है या फिर डाइवोर्स या किस तरह का मामला है? देखिए ये सिमरन नाम की एक महिला है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था और इन्होंने बताया कि एक अमन राणा नाम का व्यक्ति, पहले उसका नाम अपना अमन राणा बताया था, जो इनको साथ रिलेशन भी जिसने बना के रखे, फिर उसके बाद उसने इनके साथ मंदिर में शादी करी, लेकिन बाद में पता चला कि वो अमन राणा ना होकर अकरम खान है और उससे इसको दो बच्चे भी हो गए। ये विधवा थी, पहले भी इसके पास एक बेटा था और बच्चों का भविष्य देखते हुए उसके साथ रहती रही। अब जो है लास्ट में, अब जब ये बात हो गई है, कहते जो अकरम खान है वो और उसके घर वाले, जब इसके ऊपर उन्होंने ये दबाव डालना शुरू कर दिया कि अपना भी धर्म परिवर्तन करे और साथ में अपना जो बड़ा लड़का है अक्षत है उसका नाम, उसका भी धर्म परिवर्तन किया जाए। अब इसने जब आवाज़ उठाई कि मैं उसका नाम नहीं परिवर्तन करूँगी, तब जो है उसको मारना भी शुरू कर दिया और किसी और लड़की से उसने संबंध बना लिया। तो अब इसको छोड़ के भी जा चुका है वो, तो इसने हमें अप्रोच किया था, तो इस उपलक्ष्य में मैंने एक पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन दी है। ये है तो एप्लीकेशन में क्या लव जिहाद का कोई मैटर बनता है? ये हाँ, क्या क्लियर कट ये लव जिहाद का ही है। जैसे पता चलता है कि अपना नाम पहले अमन राणा बताया और जो कि वो अमन राणा नहीं था, अकरम खान था, और उसको वो इस्तेमाल भी करता रहा इसको, और बाद में जब पता चला वो तो अकरम खान है, तो क्लियर कट ये तो लव जिहाद का मसला है। और आजकल ऐसे बहुत से मसले हमारे संज्ञान में हैं जिससे हिंदू भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर अपना नाम पहले हिंदू नाम बताते हैं और बाद में जो है उसको जब पता चलता है कि भाई ये तो मोहम्मदन व्यक्ति है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो या तो बेचारे अपने समाज की वजह से या परिवार की वजह से आवाज़ नहीं उठा पाती, तो इसने ये आवाज़ उठाने की कोशिश करी है, तो इसके लिए हमने एसपी साहब को एप्लीकेशन मूव कर दिया। सर जैसे इसका महिला का केस आप हैंडल कर रहे हो, हाँ जी, हिंदू के हिसाब से डाइवोर्स बनता है सर, और मोहम्मदन के हिसाब से तीन तलाक बनता है, तो कैसे सॉल्व करोगे? कैसे देखिए अभी इसमें ना तो डाइवोर्स की बात है ना तीन तलाक की बात है, इसमें तो बात इसकी अपने बात तो ये आ गई, एक तो महिला होने के नाते ये तो कहती है मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ, कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट टू कुछ भी हो, लेकिन जब बात तो इसके धर्म पर आ गई, वो कहता है मैं रखूँगा तेरे को तब अपने साथ अगर तू मोहम्मदन धर्म अपनाएगी, और इसका नहीं इसके बच्चा जो बड़ा लड़का है, बाकी दो बच्चों का तो नाम मोहम्मदन के नाम से ही है, एक आल्या है एक आसिफ है, जो सबसे बड़ा लड़का है जो पहले इसको प्रदीप नाम के व्यक्ति के साथ इसके साथ, उसका कहते उसका नाम भी ये बदले, जब अपने धर्म पर बात आई तब इसने ये आवाज़ उठाई है। तो मैंने इससे पूछा भी था, वो कहती नहीं मैं कुछ भी हो जाए मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी। तो सर कितने सालों से ये युवक के साथ रह रहे हैं? ये जो 2011 से उसके संपर्क में है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।